आज की ये खबर आपके बहुत काम की है। आज के टाइम में एटीएम कार्ड बहुत जरूरी चीज बन चुकी है, लेकिन अगर आपको पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना ही ना पड़े तो? जी हाँ, सही सुना आपने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अब ग्राहक अपने मोबाइल ऐप पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जनरेट करके इस पिन को बैंक के एटीएम में एंटर कर पैसे निकाल सकते हैं। बैंक की ओर से ये सर्विस अभी 16,500 एटीएम में उपलब्ध होगी। बाकी दूसरे एटीएम में थोड़ा बहुत अपग्रेड के बाद देश भर में स्थित कुल 60,000 एटीएम में इस सुविधा को अगले 3 से 4 महीने में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में ज्यादा कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए बैंक को टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी होगी। बैंक ने कहा कि अगले 1 साल में करीब 10 लाख से ज्यादा कैश पॉइंट्स इस टेक्नोलॉजी के आने से उपलब्ध होने की उम्मीद है। एक बार सभी एटीएम में इस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेट होने के बाद इस टेक्नोलॉजी के सभी वेंडर कैश पॉइंट्स पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइसेज और माइक्रो एटीएम में भी लागू कर दी जाएगी। ग्राहक अपने SBI योनो ऐप के जरिए 2-स्टेप कैश विड्रॉल प्रक्रिया शुरू कर 6 डिजिट वाला OTP जनरेट कर सकते हैं। जनरेट हुए पिन आधे घंटे तक वैध होगा और इस दौरान ग्राहक किसी भी SBI ATM में जाकर अपने योनो ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर 6 डिजिट वाला OTP एंटर कर सकते हैं। इस सेवा का इस्तेमाल एक डिवाइस पर एक ग्राहक द्वारा ही किया जा सकता है। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल और 6 डिजिट वाला पिन जनरेट होने से ये सबसे ज्यादा सुरक्षित और आसान तरीका बन जाता है। ग्राहकों को कई बार ऐसी चीजों से 2-4 होना पड़ता है, जैसे डेबिट कार्ड चोरी हो जाना, क्लोनिंग और दूसरी धोखाधड़ी होना। इस सेवा के इस्तेमाल से ATM ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट कार्ड की तुलना में ये ज्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीका बन जाएगा। योनो कैश ट्रांजेक्शन पर वन टाइम विड्रॉल के लिए अधिकतम लिमिट 10,000 रुपए तय की गई है। ग्राहक एक दिन में इस तरह के 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी SBI योनो ऐप को 70 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं SBI एनीवेयर ऐप के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। बैंक जल्द ही इन दोनों ऐप को इंटीग्रेट कर देगा और बैंक के IMPS व UPI बेस्ट पेमेंट चैनल समेत सभी तरह की पेमेंट सॉल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। अभी ये सुविधा डेबिट कार्ड ग्राहकों तक ही सीमित रहेगी। इस सर्विस की कामयाबी देखने के बाद ही बैंक आने वाले महीनों में ये फैसला लेगा कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाए या नहीं।